हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मेथी साग की सब्जी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और साथ ही ये बहुत ही कम मसालों में बनके रेडी भी हो जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मेथी साग की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ 250 ग्राम मेथी का पत्ता ले ली हूँ। तो गाइस, इसे काटने के बाद 4 से 5 बार पानी से जरूर धो लें, क्योंकि इसमें मिट्टियाँ होती हैं। तो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर ली हूँ और इधर मैं 3 मीडियम साइज के आलू को छोटा छोटा काट ली हूँ। तो गाइस, आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें लगभग 2 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। और तेल के गर्म होते ही गैस का फ्लेम लो कर देना है। अब इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे। तो मेथी दाना को पहले अच्छे से ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए, मेथी दाना अच्छे से ब्राउन हो चुका है यहाँ पे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 6 से 7 लहसुन डाल देंगे छोटा काट के, और 2 लाल मिर्च। तो तड़का हमारा अच्छे से हो चुका है। अब क्या करेंगे कि एक छोटे साइज के प्याज को लंबा लंबा काट के इसमें डाल देंगे और इसे पकाना नहीं है, बस मिला के इसमें आलू को डाल देना है। मिला देंगे सभी चीजों को अच्छे से। तो गाइस, आलू को मीडियम फ्लेम पे 70 से 80% तक पका लेना है। तो कवर कर देते हैं इसे और इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे इसको। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आलू के साथ साथ प्याज का भी कलर हल्का ब्राउन हो चुका है और आलू भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें सूखे मसाले मिला देंगे। तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो गाइस, इसमें दूसरे मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है, बस इसमें हल्दी पाउडर का ही इस्तेमाल होता है। मसाला अच्छे से हो चुका है, तो अब क्या करेंगे कि इसमें मेथी का पत्ता डाल देंगे। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि हल्दी पाउडर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि मेथी पत्ता डालने के बाद इसे तुरंत कवर करके नहीं पकाएंगे। इसे बिना कवर किए हुए 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ऐसा करने से मेथी पत्ता का जो कलर है ना, वो हरा ही बना रहता है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो इसे पकाते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब गैस का फ्लेम लो कर देना है और इसे कवर करके सब्जी को 100% तक कुक कर लेंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। कवर कर देते हैं इसे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि सब्जी में अभी भी हल्का हल्का पानी दिख रहा है। तो इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए गाइस, सब्जी हमारी अच्छे से ड्राई हो चुकी है और आलू भी एकदम अच्छे से पक चुका है। और आप सब्जी का कलर भी देख सकते हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को प्लेन रोटी या पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और गाइस, ये सब्जी खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। तो एक बार घर में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।